इस खुशी में ना आज मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। क्या? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत के लिए दिल से दुआगो हूँ। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और सारे व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। कुछ तो कह रहे थे किरण का चैनल कहाँ घूमोगे तो भी गुम नहीं हुआ, इधर ही है, बस मैं वीडियोज़ जो है ना वो अपलोड नहीं कर रही थी। लेकिन आज मेरा प्रोग्राम बना, बल्कि मेरा नहीं बना, ज़बरदस्ती बना दिया गया, क्योंकि हमारे घर बना हुआ था आलू मटर का सालन और जो नवाब है ना सरकार वो उन्हें खाना पसंद नहीं है। मैं सुन रहा हूँ पीछे। अच्छा, तो मैं सुना ही रही हूँ, इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए मैंने आपके लिए सरकार। हाँ, और क्या चाहिए आपको। तो इन्हें आलू मटर पसंद नहीं है, तो इन्होंने फरमाइश कर दी कि मुझे कढ़ाई खानी है और वो भी शनवारी कढ़ाई, पेशावरी स्पेशल। क्या बात। तो मैंने सोचा कि आज ना यहाँ पे बनाते हैं। इतनी वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा व्यू बन गया और आज हम ये जो है ना चूल्हा, ये स्पेशल चूल्हा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और क्या चाहिए आप, मज़ा आ जाएगा पूरी कर रही हूं पकाते हुए, मज़ा आ जाएगा। और भाई ऊपर से ये वाला जो व्यू है ना कमाल का लग रहा है, ये देखना, यहाँ से यहाँ बैठ के कुकिंग करने को मिले और तुम्हें क्या चाहिए। उफ 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 तो भी मुझे तो बहुत भूख लगी, मैं आलू मटर खा लेती हूँ लेकिन मैंने कहा कि मैं अकेली कैसे खाऊं, अभी 4 बज गए हैं, मैं भी भूखी फिर रही हूँ इनकी वजह से। तो शुरू करें? हाँ शुरू करो भाई। अभी भाई भूख की शिद्दत भी काफी ज्यादा है और खाना साथ में पकेगा तो और शिद्दत बढ़ेगी और फिर हम खाएंगे मजे से। और अभी देखें, आज भाई सारा दिन सूरज नहीं निकला, बिल्कुल ऐसे ही हल्की हल्की इसकी आंख नजर आती रही है और हमें ललचाता रहा है कि भाई धूप निकलेगी निकलेगी, लेकिन भाई सारा दिन ऐसे ही रहा है, धूप नहीं निकली सही तरह। और आज ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैंने जैकेट इसलिए उतारी हुई है क्योंकि भाई मैंने काम किया है, ये लकड़ियाँ जो है ना काटी हैं, ये देखें यहाँ पे पड़ी हैं। जाहिर है जब जोर लगता है तो फिर पसीना आता है, फिर जिस्म गर्म होता है, तो मेरा जिस्म गर्म हो गया था इसलिए मैंने अभी जैकेट उतारी है। थोड़ी देर तक फिर ठंडा हो जाऊँगा और जैकेट पहन लूँगा। तो आग जला लें पहले, चलो आग जला लो पहले ऐसे। अच्छा, ऐसे ऐसे कैसे लगाते हैं? धुआं डाल दिया मेरे नाक में। अंदर से हमें बंद भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे धीमी आंच भी चाहिए। वो कर लेंगे डोंट। अच्छे लगते हैं ऐसे ना आग जलाते हुए, ये शर्ट बहुत सूट कर रही है। शुक्रिया। हाँ अच्छी लग रही है, मेरी पसंद से पहनेंगे ना तो अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। सामान ले आओ तुम। हाँ। आग जल गई समझो, तो चलें भाई आग हमारी जल चुकी है तो शेफ हो जा शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपनी कढ़ाई जो है इसे ऊपर रखते हैं और उसमें डालेंगे ऑयल। थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा जाएगा, वो बाद में थोड़ा सा ना निकाल लेंगे। ये ऑयल भाई हमने पहले यूज़ किया था तो दोबारा से ये यूज़ कर रहे हैं। और सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे ये चिकन, पहली दफा मेरी पसंद का चिकन लेके आए, लेग पीस और ना चेस्ट उठा के ले आते हैं। आहा, क्या बात है, माशाल्लाह। कढ़ाई तो लेग पीस की ही अच्छी लगती है, चेस्ट का क्या काम कढ़ाई में। इसे तकरीबन तेज आंच पे नमक डाल के ना 4 से 5 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। जैसे वो होटलों पे आग जल रही होती है ना तेज फ्लेम के साथ, वैसे ही जल रही है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल है ना। हाँ। कड़ाही बड़ा तेज फ्लेम है भैया इस चूल्हे में। इसके अंदर सबसे पहले सिर्फ नमक डाल के ना इसे फ्राई कर लें। हमने तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ऐसे घी के अंदर फ्राई किया। अब जो टमाटर है ना वो हमने ऐसे इसके अंदर शामिल कर देने, असल शनवारी टच टमाटरों से बनता है। टमाटर डाल के थोड़ा सा हिला देंगे ताकि घी के अंदर ये चले जाएं और बाद में इसका जो है ना इसे कवर कर देंगे और तकरीबन लो फ्लेम पे इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। तो अब इसे कवर कर देते हैं और इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं।
तो भाई साथ में मैं आपको अपना लॉन भी दिखा लूँ। आजकल माशाल्लाह हमारे लॉन पे बहार आई हुई है। आजकल तो खिजां है, लेकिन ये देखें हमारे लॉन पे बहार आई हुई है। इधर भी फूल, वो सामने देखें फूल ही फूल, और वो सामने देखें माशाल्लाह कितने प्यारे फूल। इधर भी फूल और यहाँ पे भी माशाल्लाह भाई। और ये देखें यहाँ पे भी मैंने रखे हुए हैं। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं टमाटर जो है वो गल गए हैं या नहीं। इनकी स्किन जो है रिमूव हो जाएगी। टमाटर जो है वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं, तो इनकी स्किन जो है ना वो उतारने से पहले जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो उसे साइड पे निकाल लेते हैं। चले जी, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हमने निकाल लिया है, तो अब इसके छिलके जो है ना उन्हें भी रिमूव कर लेते हैं। इस चिमटी की मदद से इनके छिलके जो है ना वो ईजिली जो है रिमूव हो जाएंगे। छिलके जो मैंने टमाटर के उतार लिए, तो इन्हें सबसे पहले ना थोड़ा सा चिमटी के साथ ही मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि इन्हें मैश करना जो है ना वो ज़्यादा इजी हो जाए। टमाटर जो है मैं साथ साथ ना मैश करती रहूँगी जैसे ये फ्राई होता रहेगा, और ज़्यादातर जो है वो अंदर ही मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पे हम डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी जो स्पाइसेज है ना वो। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे कुटी हुई कुछ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह क्या कढ़ाई बनी है भाई, देख के मुँह में पानी आ गया सच में, जूसी जूसी। ये तो भूख से जान निकली जा रही है, मेरा बस नहीं चल रहा मैं बोलना उठा के खाना शुरू कर। रेसिपी हमारी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बस लास्ट चीज है फाइनल टच। पहले मैं चखना शुरू कर दिया ना मैंने। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हैं ये से डाल देते हैं। लास्ट पे ये सब्ज़ धनिया फ्रेश फ्रेश हमारे घर का। अभी मिक्स कर लेते हैं। हाँ 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 क्या बात है, क्या बात है, मुझे बंद कर दें। बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है और इसे उतार लेते हैं, साइड पे रख देते हैं, नीचे काफ़ी तेज़ आग जल रही है। मैं इसे अंदर रख देती हूँ, ये समेटे फिर हाँ। तो चलें भाई, माशाल्लाह हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, बड़ी कमाल की बनी है, मज़े की बनी है। तो अभी ये वाला सामान जो है इसको समेट लेते हैं और उसके बाद फिर रोटी बना के खाते हैं मज़े से। तो चलें भाई, रोटियां भी बन के आ गई हैं। रोटियां किससे बनवाई हैं? आप ही से। हाँ, और इधर रहा हमारा सालन, मतलब हमारी कौन सी कढ़ाई? शिनवारी चिकन कढ़ाई, चर्सी कढ़ाई। हाँ, वो भी चर्सी कढ़ाई भी कहते हैं। तो कमाल की भाई बनी हुई है, ऑलरेडी मैं चख चुका हूँ और इधर चख भी लिया मेरे बगैर, सब्र नहीं हो रहा था, भूख काफी ज्यादा लगी हुई थी। चलो शुक्र, मुझे तो ये होता आपको पसंद आ जाए। चले भाई, फिर से एक दफा चखता हूँ, चस आ जाती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रोटी तोड़ लेते हैं
और सॉफ्ट और मज़ेदार हमारा चिकन। बिस्मिल्लाह ऐसे। यार चस्करा देती है यार, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस खुशी में ना, और इस इतने मज़ेदार सालन की खुशी में आज मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। क्या? बिस्मिल्लाह करें तो होना चाहिए सच में भाई, दिल जीत लिया बनाती तो दूथियों की तरह हूँ लेकिन सालन बड़ा मज़ेदार होना। ये बटुआ पकड़ो, इसमें है 1000 रुपये, अच्छा निकाल। ये सारे निकाल रही हो, किस्मत में आ गया, मैं तो ऐसे किया। नहीं 1000 काफी है। 5000 भी साथ है। गिर क्या हुआ ऐसे, हाथ आ गया, आ गया। चलो 5000 में बाद में बकाया ले लूंगा। 1000 में इसको इनाम दूंगा। किस्मत मेरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई बात नहीं, इस मजेदार कढ़ाई के लिए थैंक यू, बहुत मजे की बनी। अब पेट भर के खाना खाऊंगा और भाई मजे से फिर एंजॉय करूंगा। चले जी, हम तो मजे से एंजॉय करते हैं, आप लोग भी एंजॉय करें हमारी वीडियो देख के। और मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।